ये देखिए, तो ये वाला बीच में जो स्टिकर है ये उठ के इसमें लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन प्रोवाइडर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे खुद से। मैंने ऑनलाइन परचेस कर लिया है, ऑफलाइन स्टोर में मैंने देखा था लोकल मार्केट में, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही ख़राब क्वालिटी का मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेस कर लिया। ये मिरर जो देख रहे हैं ये बेसिकली इसको कॉन्वेक्स टाइप का मिरर कहते हैं इसे, और ये 150 डिग्री एंगल ये कवर करती है, और इसका जो मैकेनिज्म है ये कुल मिला के 360 डिग्री ये इसको आप मूव कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मिरर का काम क्या है आपको पता है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि इसको इंस्टॉल अब कैसे करना है। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, और क्या क्या अंदर में मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दो मिरर आपको मिलता है कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है, और ये ग्लास का नहीं होता है, इसमें क्रोम का एक प्लेटिंग रहता है, प्लास्टिक से बना हुआ रहता है बेसिकली, और बैक साइड में 3M का एडिसिव है। तो इसको कैसे इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और ये जो पार्ट है ये आप अपने मिरर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये बीच में जो एक सर्कल कटआउट एक दिया गया है, ठीक है, एक्चुअली दो कटआउट है, बीच वाला जो कटआउट है इसको आपको ऐसे निकालना है, और जो फ्लैट साइड है, ठीक है, फ्लैट साइड को यहाँ पे आपको सेंटर में लगाना है। और आपको जोर से प्रेस भी करना है थोड़ा, ठीक है, ऐसे प्रेस करने के बाद आपको ये जो है इसको उठाना है। ये देखिए, तो ये वाला बीच में जो स्टिकर है ये उठ के इसमें लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक फ्लिम है, इसको आपको उठा के आपको लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बोथ साइड टेप है। अब यहाँ पे जो हो गया, इसके बाद वाला जो एक सर्कल आता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको इसको अब ऐसे निकालना है, और ये जो थोड़ा कॉन्वेक्स टाइप का जो पार्ट है इसको एकदम सेंटर में लाके आपको इंस्टॉल करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख लीजिए सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉलेशन ठीक से होगा नहीं, ठीक है। तो ये एक सेटअप बन चुका है, अब दूसरा वाला भी बना लेते हैं। इसको मैं सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना वाइड एंगल ये कैप्चर हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं इतना कम डिस्टेंस में। मिरर में इंस्टॉल करने का 4 पॉइंट है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट पॉइंट माना जाता है वो यहाँ पे है नीचे में। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ तो आपको पहले मिरर को अंदर की तरफ घुसा लेना है कुछ इस तरह से, नहीं तो फाउल हो जाने का चांस बहुत है। कुछ ऐसे में अंदर कर देता हूँ, ठीक है, पूरा अंदर की तरफ। ओके, तो ये मिरर अंदर की तरफ घुस चुकी है अभी, अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर बाहर की तरफ अगर एकदम एक्सट्रीम एंड में लगा देता, तो अगर कोई भी रीजन से मैं मिरर को अंदर की तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे फाउल हो जाएगा और ये उखड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे आपको पोजिशन मिल गया, अब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे पील ऑफ करना है दूसरे साइड को, और कुछ इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ, थोड़ा आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। अभी ये कहीं पे भी फाउल नहीं हो रहा प्लास्टिक में, ठीक है, ये देखें। तभी मैं इसको बाहर फिर से निकालता हूँ। तो चलिए एक साइड में तो इंस्टॉल हो चुका है, अब अपने हिसाब से आप डिजायर्ड पोजीशन में कहीं पे भी इसको
घुमा सकते हैं, ठीक है। और ये कितना एरिया कवर करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दूसरे साइड में इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, फॉरगेट टू मेंशन, पहले आपको मिरर को अच्छे से क्लीन करना है, और क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास क्लीनर का यूज़ किया है जो कि साइन एक्सप्रो का आता है, बहुत ही बढ़िया ये क्लीन करती है ग्लास। सिमिलरली यहाँ पर भी मिरर को मैंने अंदर कर लिया है, और इसको पील ऑफ करते हैं। इस पोजीशन में इसको इंस्टॉल कर देता हूं। इसका बेनिफिट दिखाता हूँ। अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हुआ हूँ, और टुवर्ड जो को ड्राइवर सीट साइड में जो मिरर मैंने लगाया है उसका बेनिफिट मैं दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से ये एंगल मुझे मिल रहा है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। देखिए मेन जो मेरा मिरर है जो है वहाँ पे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर में अगर नजर देते हैं तो यहाँ पे एक पूरा एक होल कार जो कि कवर के अंडर में पूरा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो मिरर है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली ड्राइवर सीट साइड में जो मैंने इंस्टॉल किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट मिरर है वहाँ पे आप नज़र दीजिए, जो मेरा ट्राईपॉड है ब्लैक कलर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोकस कर लेता हूँ, ओके सर, नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ट्राईपॉड है वो पूरा नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो मेन जो मेरा मिरर है वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, उसी एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बेनिफिट है ब्लाइंड स्पॉट मिरर का। तो अगर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस डेमो ऑफ ब्लाइंड स्पॉट मिरर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर, एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।